काका बताइए क्यों किया आपने ऐसा? क्या जरूरत पड़ी आपको ये सब करने की? बताइए। काका, कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर उस कॉलेज के स्टाफ विनायक, याद है, उसने अगर आपकी फोटो नहीं खींची होती ना, मैं कभी यकीन नहीं कर पाता कि आप मेरे ओमी काका ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। अब क्या होगा, कहीं ओमकार मेरा नाम तो नहीं ले लेगा? काका, आपको जवाब देना होगा, बताइए। ओमकार, क्या है ये सब? विराट जो कह रहा है वो सच है? आपने पुलकित के डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करने के लिए किसी को रिश्वत खोज ब्राइब दी थी, क्यों? सोनाली, क्यों नहीं पूछो? कैसे इसने इतनी गिरी हुई हरकत की? क्या तू भूल गया ये स्वर्गीय नागेश चव्हाण का घर है? वो नागेश चव्हाण जिनकी ईमानदारी के किस्से आज भी नागपुर के हर पुलिस स्टेशन में सुनाए जाते हैं। तो उनका छोटा भाई होकर, एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर का काका होकर तूने रिश्वत देने जैसी इतनी घिनौनी हरकत की क्यों? तुझे इस घर की, इस परिवार की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया? तुझे तेरी जमीर ने रोका नहीं? बोल ओंकार, क्यों? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी भतीजी की शादी एक ऐसे आदमी से हो जिसका बाप कभी हमारे घर का नौकर हुआ करता था। कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप इतना गिर जाएंगे। विराट, मैंने जो कुछ नहीं नहीं काका, आज आप अपने मन से कोई जवाब नहीं देंगे। जो सवाल मैं पूछूंगा बस उसी का जवाब देंगे आप। आपको पता था ना कि सही सच बोल रही थी? आपको यह भी पता था ना कि पुलकित ताई को धोखा नहीं दे रहा था? सई ने मुझसे कहा भी था कि संगीता देशपांडे नाम की कोई औरत नहीं है, लेकिन आपने एक ऐसी झूठी कहानी रची थी और मैं आपकी इस रची हुई कहानी में ऐसा खो गया कि सई का सच ही नहीं सुना मैंने। जाते जाते भी वो मुझे सच बताना चाह रही थी। वो बता के गई कि ये चिट्ठी हमारे घर के एक सदस्य ने लिखी थी। आप लोग बताइए, बताइए कि ये चिट्ठी किसने लिखी थी? विराट को पता चल गया कि वो लेटर मैंने लिखा था तो ये मुझसे नफरत करने लगेगा। किसने लिखी थी ये चिट्ठी? ओम
ओंकार, पुलकित की डॉक्यूमेंट में संगीता देशपांडे का नाम लिखवाया था, तो फिर वो चिट्ठी भी तूने लिखी है। बोलता क्यों नहीं, लिखी है या नहीं? नहीं, आप तो सब जवाब दे ओमकार, तूने ही लिखी ना वो चिट्ठी? बोल, बोलता क्यों नहीं, तूने ही लिखी ना? हाँ, मैंने ही लिखी थी। बाबा जी ओमकार, अरे मैंने आपको क्या समझा था और अब क्या निकले? मुझे आज शर्म आ रही है कि मैं आप जैसे इंसान की बीवी वाइफ पत्नी हूं। चिंता मत कर, तेरा आबा है ना तेरे साथ, फिर चल अब एक प्यारी सी मुस्कान ला चेहरे पे। अरे खाकर तो देखो, मन अपने आप हो जाएगा। कुसुम ने बड़े प्यार से बनाया तुम्हारे लिए। कुसुम मौसी, थैंक यू मेरे लिए मोदक बनाने के लिए, लेकिन अभी सच में मेरा बिल्कुल मन नहीं है, बिल्कुल मन नहीं है। अरे लेकिन सही परी, तू हम दोनों की साइकिल निकाल ले, हम दोनों साइकिल चलाने बाहर चलते हैं, क्योंकि उषा मौसी तो मुझे यहाँ शांति से बैठने नहीं देंगी। मैं अभी साइकिल लाती हूँ और बालक राम को भी बुला के लाती हूँ। क्या पता पुरानी यादों के शोर में मेरे मन को शांति मिल जाए। पता नहीं बप्पा की क्या मर्जी, वही जाने तामा जी के सामने सच आएगा या नहीं। और तुम्हें क्या लगा ओंकार, ये सच्चाई किसी को पता नहीं चलेगी? क्यों किया तुमने ये सब? बोलो। हाँ तो मैं क्या करता, क्या करता मैं? दिव्यानी मेरे बड़े भाऊ की बेटी है, जब मेरे बड़े भाऊ इस दुनिया में नहीं रहे तो उनकी बेटी का भला बुरा सोचने का फर्ज मेरा भी तो बनता है। मैंने जो कुछ भी किया, सही गलत भला बुरा, सब दिव्यानी के भलाई के लिए किया है। किसी एक की भलाई के लिए दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना, ये आपके लिए सही कैसे हो सकता है काका? अगर आप ताई की भलाई चाहते ना, उनकी खुशी छीनने की कोशिश नहीं करते आप।
विराट 100% गलती ओंकार की है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन जो होना था हो गया विराट, देवयानी और पुलकित की शादी तो हो गई। अब इसने रिश्वत दी थी या वो चिट्ठी लिखी थी, क्या मतलब है इन बातों का? क्या मतलब है? बाबा शायद आप भूल रहे हैं, इस घर का बेटा होने के साथ साथ मैं एक पुलिस ऑफिसर भी हूं। रोमी काका ने जो कुछ किया है वो कानूनन जुर्म है, इसलिए मुझे उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। विराट, विराट अरे एक ना, तू अपने काका पे ऐसे मुजरिम होने का दाग मत लगा। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। काकू ऐसा नहीं विराट, मुझे भी बहुत शर्म आ रही है, ये ऐसे कोई करता है क्या? हनी अपने भतीजे के प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि गलत और जुर्म का फर्क नहीं समझ पाए। मैं तुझे माया पड़ते रहे, प्लीज प्लीज माफ करना, प्लीज विराट। सोनाली रड़ो नुकोस, अरे विराट समझदार है, वो थोड़े ना इतनी छोटी सी बात के लिए अपने काका को जेल में डालेगा। छोटी सी बात? आपको ये छोटी सी बात लगती है काकू? ओमी काका की वजह से मैंने पुलकित जैसे शरीफ और नेक इंसान को धोखेबाज और बक्कार समझ बैठा था मुझे, यहां तक कि मैं उसको जेल में डालने का फैसला तक ले चुका था। इनके झूठे सबूतों को सच मानकर मैं सही को यह भी बोल चुका था कि वो पुलकित और देवी ताई की शादी के बारे में भी सोचना बंद कर दे। इनकी वजह से बात यहां तक पहुंच गई कि मैंने सई को घर से बाहर निकाल दिया। और आपको एक छोटी बात लगती है? ओंकार, इस सब के बारे में निनाद को कुछ भी नहीं पता था? अरे तुम दोनों भाई तो एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाते हो, सब कुछ बता देते हो, तो फिर ये बात निनाद को कैसे पता नहीं थी? अश्विनी, ये कोई वक्त है मुझसे दुश्मनी निकालने का? हाँ, हम दो भाइयों में कोई भी बात छुपी नहीं रहती, इसीलिए इसने ये बात मुझसे छुपाई, बताई नहीं मुझे। क्योंकि उसे पता था अगर मुझे बता देता तो मैं इसे रोकता ऐसा करने से। समझो समझो जरा विराट, समझाओ इसे। समझाता हूं। आई, पुलकित और देवी ताई को मिलकर देखा मैंने, बहुत खुश थी ताई, और उससे भी ज्यादा खुश था पुलकित, बहुत ध्यान रखता है मेरी ताई का। यूं तो मैंने ताई को हंसते खेलते देखा है इस घर में, लेकिन खुश आज पहली बार देखा मैंने, बहुत खुश है ताई, और वो कभी वापस नहीं आना चाहती इस घर में। मैंने दुनिया देखी है, यहां मौसम बदलने से पहले इंसान बदलता है। मैंने पुलकित को देवयानी से दूर रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अब उसकी देवयानी से शादी होने के बाद वो तो हमें दिखाने के लिए उसकी परवाह करने का नाटक करेगा ही ना। देखना, बहुत जल्दी वो अपना रंग बदल देगा और फिर वो मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल देगा और फिर मेरी बेटी तड़पती रह जाएगी। बहनी, ये क्या कह रही है आप? विराट ने अभी कहा ना, अपनी देवी पुलकित के साथ बहुत खुश है बहनी, तो फिर आप अपनी सारी गलतियां मानकर अपनी देवी के लिए खुश क्यों नहीं हो रही है बहनी? आप क्यों नहीं मान लेती कि पुलकित बहुत भला इंसान है, वो झूठा नहीं है, वो मक्कार नहीं है? सही ने तो ये शुरुआत में ही जान लिया था कि पुलकित बहुत भला इंसान है, उसने पुलकित की आंखों में देवी के लिए
देखा था वही नहीं। अश्विनी, अगर तुम दुनिया में सबसे आखिरी इंसान भी होगी ना, तब भी मैं तेरी राय कभी नहीं मांगूंगी। देवयानी मेरी बेटी है, उसके भले बुरे की चिंता मुझे है। अगर मैं अपनी बेटी के बारे में सोचती हूं तो तुझे क्यों परेशानी होती है? तू मेरी बेटी की जिम्मेदारी लेती है? अगर कल को पुलकित ने मेरी बेटी के साथ कुछ भला बुरा किया, उसे पेट से करके कहीं रास्ते पे छोड़ दिया, तो तब क्या? अरे काकू बस, प्लीज। बड़ी मामी को चुप कराने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोचो विराट, कहीं बड़ी मामी की बात सच निकली तो? जब पुलकित को देवी ताई से प्यार हुआ था तब वो जवान थी, मेंटली स्टेबल थी, अब वो वैसी नहीं रही। और अगर ऐसे में पुलकित के प्यार का रंग फीका पड़ गया और उसने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया तो? बाकी हर चीज में अपनी राय देना तुम्हें क्यों लगता है कि वो जरूरी है? अगर मैं कह रहा हूं कि मैं उन दोनों को मिलकर आया हूं और देख कर आया हूं कि वो एक दूसरे के साथ खुश है, तो तुम ये मान क्यों नहीं सकती? बाकी मैं तुम्हें मैच्योर कहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इमैच्योर हूं और सच्ची और झूठी खुशी के बीच का फर्क नहीं समझता। I'm sorry, विराट। मैं गढ़चिरौली जाऊंगा, सही से माफी मांगूंगा और उसे इस घर में वापस लाऊंगा। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।